हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। एक्सेस में आज आपको क्या नया सिखाने वाला हूं, आइए दिखाता हूं। सबसे पहले तो एक्सेस को ओपन करते हैं। अब सवाल कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सर 2007 पे करके दिखाइए, 2007 पे करके दिखाइए, क्योंकि हमारे पास तो 2021 है नहीं। तो इस बार 2007 को ही ओपन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 ओपन करता हूँ। तो ये देखिए 2007 ही है ये, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, इसमें हमको SQL व्यू के अंदर दो नंबर्स को यानी कि दो फील्ड्स को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए दो फील्ड्स एक अलग चीज हो गई। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, एक्सेस ज्यादा इजी है, अगर आप एक्सेस पे काम करेंगे तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको ऐसा सिनेरियो नजर आएगा। अब देखिए ये अलग है, 2021 से तो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर आपको व्यू पे जाना है और यहाँ से डिजाइन व्यू पे जाना है। लेकिन डिजाइन व्यू पे क्यों जाना है, क्योंकि हमें तो SQL व्यू में काम करना है। तो इसको क्लोज कर देते हैं, यहां से क्वेरी डिजाइन पे चले जाएंगे। जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे तो यहां से इसे क्लोज कर देना है, और क्लोज करते ही यहां SQL व्यू नजर आएगा, क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां पर अब एक टेबल हमें बनानी है। टेबल बनेगी कैसे, टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट जो स्टेटमेंट है उसको यूज करना होगा, और फिर यहां पर टेबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और टेबल का नाम देना होगा, जैसे मान लीजिए कि टेबल का नाम है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये टेबल का नाम है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टेबल हम बना रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। मैनेजमेंट की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, मैनेजमेंट। तो ये हो गया प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब इसमें फील्ड क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहले आएगा नेम, अंडरस्कोर लगा के लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और नेम ऑफ प्रोडक्ट टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सर टेक्स्ट कैर और वेर कैर में डिफरेंस क्या है, तो टेक्स्ट तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आप कितने भी कैरेक्टर्स रखिए, ठीक है। जैसे एक लिमिट तो होती है लास्ट में जाके, लेकिन सबसे ज्यादा लंबा टेक्स्ट ही होता है। अब वेर कैर में क्या होता है, वेर कैर और कैर दोनों सेम दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे कैर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कैर लिख देता हूँ, तो कैर भी एक्सेप्टेबल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइज दे देता हूँ 20, तो मैक्सिमम साइज क्या होगी 20 होगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, अगर आप ये लिखते हैं तो भी सेम चीज है, और अगर इसके जगह वेर कैर लिख देंगे तो भी सेम है, साइज 20 ही रखनी है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी कि इसमें 20 के 20 जो रैम में मेमोरी जो ये जाएगी वो पूरी मेमोरी को भर देगा, जैसे 20 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। ऐसा सपोज कीजिए कि 20 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स 20 ठो बन जाएंगे, और ये 20 ब्लॉक जो है फिल रहेंगे। आप कहेंगे कैसे फिल रहेंगे, अगर आप किसी प्रोडक्ट का नाम सपोज कीजिए मैंगो जूस रखते हैं, तो मैंगो MANGO और GUICE कुल मिला के 10 ही कैरेक्टर हैं, लेकिन 20 हैं, तो 20 कैसे फिल हो जाएंगे, क्योंकि 10 ही कैरेक्टर हैं, तो 10 ठो ब्लैंक स्पेस से भरा रहेगा, ठीक है। उसमें आप दूसरा कुछ एंटर कर ही नहीं सकते, वो पूरा का पूरा मेमोरी कंटेन कर जाएगा अगर आप कैर लिखते हैं तो, समझ रहे हैं। और अगर आप वेर कैर लिखते हैं तो मान लीजिए कि आपने लिखा मैंगो, केवल मैंगो लिखा, तो MANGO 5 ही कैरेक्टर हुए, और बाकी की 15 जो यहाँ पे ब्लॉक्स बनेंगे वो ब्लॉक्स फ्री हो जाएंगे, यानी वो मेमोरी फ्री होती रहेगी। इसीलिए कैर और वेर कैर में डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये तो हो गया, चलिए कैर ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्राइस आएगी इसकी, तो ये प्राइस कर देते हैं PRICE, तो ये हो गया प्राइस। और प्राइस का जो डेटा टाइप है वो रखना है हमें, क्या रखना है यहाँ पे, यहाँ पे रख देते हैं इंटीजर या फ्लोट रख देते हैं, FLOAT फ्लोट, ठीक है। तो ये डेटा टाइप है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो हो गया, अब यहाँ पे यूनिट करना है, तो यूनिट भी हम क्या रख देते हैं, यूनिट भी रख देते हैं FLOAT फ्लोट, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है, ये करने के बाद हमें एक क्वेरी बनानी है। तो पहले तो हम इसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करके यहाँ से टर्मिनेशन देंगे, टर्मिनेशन दे दिया, और यहाँ से रन करवाएंगे। तो रन करवाते ही ये देखिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डेटाबेस ये बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली चाहे तो एंटर कर सकते हैं, चाहे तो इंसर्ट इनटू का कमांड यूज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ डायरेक्टली एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंटर किया कीबोर्ड एंटर कर दिया, और कीबोर्ड यहाँ पे कीबोर्ड की स्पेलिंग सही करनी होगी, ये देखिए यहाँ पर KEBOARD कीबोर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस आएगी, तो मान लीजिए 230 रुपए का एक कीबोर्ड है, तो 50 कीबोर्ड कितने के हुए ये पता करना पड़ेगा। इसके बाद से माउस कर देते हैं, तो माउस तो मान लीजिए कि 180 का एक माउस है, तो 20 माउस कितने के पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे करते हैं बारकोड रीडर इस तरीके से लिख देते हैं बारकोड रीडर, और ये बारकोड रीडर जो है मान लीजिए READER, और ये जो है मान लीजिए 1500 का एक है सपोज कीजिए, तो यहाँ पर अगर 20 खरीदे जाते हैं तो कितने के मिलेंगे ये। तो अभी तो ये हमारा टेबल बना हुआ है, अभी हमने क्वेरी एक बनाई है जिसके माध्यम से टेबल बनी हुई है, ठीक है।
तो प्रोडक्ट क्यू के नाम से इस क्वेरी को सेव कर देता हूं, ये टेबल बनाने वाली क्वेरी है। बाकी हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ये डेटाबेस तैयार है, इसको भी हम सेव करके क्लोज कर देते हैं। तो ये क्लोज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि टोटल कैलकुलेट होकर आए, तो इसके लिए हमें एक अलग क्वेरी बनानी होगी। यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और क्लोज करने के बाद क्या करना है, क्लोज करने के बाद हमें यहाँ एसक्यूएल व्यू पे आ जाना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है वो आ रहा है। अब यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, तो सेलेक्ट हमें करना है क्या क्या, देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा सेलेक्ट करने वाला चीज, नेम ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, प्राइस सेलेक्ट करना है, यूनिट सेलेक्ट करना है। तो ये हमें लिखना होगा, ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर पी आर ओ डी यू सी टी, नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। और नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद क्या करना है, फिर दूसरा यहाँ पे आएगा, देखिए ये दूसरा क्या है, प्राइस है और यूनिट है। तो फिर यहाँ पे करते हैं पी आर आई सी ई, प्राइस हो गया, कॉमा यूनिट देंगे, और इस तरीके से ये सब हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, और कॉमा लगा करके प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट कर दीजिएगा, प्राइस हो गया मल्टीप्लाई बाई यूनिट करिएगा इस तरीके से, और इसको बंद कर दीजिएगा। और ये इसको क्या नाम देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एज टोटल प्राइस, पी आर आई सी ई, इसे हमने नाम दे दिया टोटल प्राइस, ठीक है। और ये कहां से आएगा, तो फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो जैसे लिखा गया है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एम ए एन ए जी ई एम ई एन टी, ये लिखा गया है। तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे लिखा गया था वैसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे टर्मिनेशन देना है, और ये पुरानी टेबल को तो क्लोज ही कर दीजिएगा, इसको ओपन नहीं रखना है। अब इस प्रोग्राम को रन करवाना है, तो देख लीजिए जरा इस प्रोग्राम को एक बार गौर से, चलिए अब करा देते हैं इसको रन, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे रन करवाते ही देख सकते हैं यहाँ पर टोटल प्राइस भी आपको शो होने लगी। अब देखिएगा कमाल, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी एंटर करता हूँ, लाइक सपोज कीजिए यहाँ एंटर किया सीपीयू, तो सीपीयू किया तो यहाँ पे सीपीयू मान लीजिए 30,000 का है, 30,000 का है, ठीक है। और ऐसे ऐसे चार सीपीयू हमने परचेस किए या सेल किए, तो यहाँ पे देखिए टोटल अपने आप आएगा। तो ये वो क्वेरी थी जिसके माध्यम से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछ दिया तो बड़े आसानी से बता भी सकते हैं। क्लियर है ना, ओके।